डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि क्लास सिक्स का लेसन टू है, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इसका डिस्क्रिप्शन आपने नहीं देखा है, इस लेसन को मैंने पूरा समझाया है अपनी वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर उसे देखिएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनटू विच क्लासेस न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड। न्यूट्रिएंट्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किन किन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और विच ऑफ दीज प्रोवाइड अस एनर्जी, और एनर्जी हमें किन से मिलती है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हम आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, देन प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पांच तरीके के होते हैं, फाइव टाइप के होते हैं, जो कि ये वाले हैं। उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से हमें एनर्जी मिलती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स। अब प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं, मतलब जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। फूड्स रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो विटामिन्स और मिनरल्स जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, उन्हीं को प्रोटेक्टिव फूड्स कहा जाता है। दे प्रोटेक्ट आर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, हमारे को जो बीमारियाँ होती हैं उनसे बचाने के लिए हमें इन फूड का यूज़ करा जाता है, उन्हें कंज्यूम किया जाता है या उन्हें खाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। प्रोटीन्स बॉडी के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी सेल्स। अब इसमें जो ग्रोथ होती है, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के बॉडी जल्दी जल्दी तेज़ी से ग्रो होती है, तो उन्हें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए, टूट फूट जो हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं, गिर जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। दे बिल्ड न्यू सेल्स एंड हैंस आर बॉडी बिल्डिंग, वो नए नए सेल्स को डेवलप करते हैं, क्योंकि जो डैमेज हो गए हैं सेल्स वो रिपेयर होंगे, लेकिन जो कुछ नए सेल्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ रही है, उन्हें वो बनाने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन इज, मेंशन टू कुकिंग मेथड दैट डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब वो कौन से दो कुकिंग के मेथड हैं, घर में मम्मा खाना बनाती है, उसमें पता नहीं किस तरीके से खाना बनाती हैं, कई बार वो बहुत अच्छे से बनाती हैं, कई बार बहुत जल्दबाजी में बना देती हैं, तो उसमें कुछ कई बार ऐसा होता है कि वो इतने ख़राब तरीके से खाना बनता है कि उसमें जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, वो डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुकिंग का फर्स्ट कुकिंग इन टू मच वाटर, सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा पानी में कुकिंग करी जा रही है और फिर उसको एक्स्ट्रा पानी को थ्रो कर दिया, थ्रोइंग यहाँ पर स्टूडेंट्स, थ्रोइंग वर्ड नहीं आ रहा था पूरा, तो मैंने THROWING कर दिया है, ओके, थ्रोइंग द एक्स्ट्रा वाटर, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको फेंक दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, ये हमेशा न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म करने का काम करते हैं, क्योंकि जो भी खाना बनाया गया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के अंदर आ जाते हैं, और पानी को हमने एक्स्ट्रा फेंक दिया तो वो बेकार हो गया। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट, प्रोलॉन्ग से मतलब होता है लंबे समय तक, अगर वो हीट पर यानी गैस पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पकाए जा रहे हैं तो उसमें वो भी ख़राब हो जाता है। जैसे कि विटामिन सी हमेशा ज़्यादा हीट अगर दी जाए उसको तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ आ रहा है हमारा, नेम टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विच ऑफ दीज प्रोवाइडर्स क्विक एनर्जी। अब दो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताना है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस से मिलती है, तो शुगर एंड स्टार्च आर टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और शुगर से हमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से एनर्जी मिलती है कंपेरेटिव टू स्टार्च। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज़।
हमारी बॉडी को कौन से न्यूट्रिएंट से कम क्वांटिटी में भी ज़रूरत पूरी कर देता है। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड बाय आर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज ओनली। अब यहाँ पर विटामिन्स एंड मिनरल्स ही आंसर आपको लर्न करना है बच्चों, बाकी आपका आर से लेकर ओनली तक पूरा क्वेश्चन में से ही आ रहा है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ओनली आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स ही लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिम्टम्स ऑफ रिकेट्स। अब रिकेट्स के बारे में और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरिस्मस है, इन दोनों के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ वीडियो में, आप उन्हें देखिएगा। राइट द सिम्टम्स, अब रिकेट्स के सिम्टम्स क्या हैं? तो इन रिकेट्स बोन बिकम सॉफ्ट, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से वो झुकी झुकी हो जाती हैं, यानी उनकी शेप बिगड़ जाती है। बो लेग्स हो जाते हैं, यानी लेग्स की भी शेप मुड़ जाती है, पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है, और जो हड्डी होती है यानी बोन स्पाइन कमर की हड्डी भी मुड़ जाती है। यही इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, यानी लक्षण हैं। अब मेरिस्मस के पूछ रहे हैं वो, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेरिस्मस। तो इन मेरिस्मस चाइल्ड बिकम्स सो थिन, इसमें मेरिस्मस में बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है, जो जैसे कि दैट लूजेज ऑफ स्किन, लूज ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। वो इतना ज़्यादा थिन हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, दुबला हो जाता है कि उसकी जो स्किन ढीली हुई हो जाती है वो हमें बॉडी पर साफ दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंसिडेंस ऑफ क्वाइटर अमंग द पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन वॉज क्वाइट हाई, वाई। अब जो क्वाइटर के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ, क्वाइटर के जो सिम्टम्स हैं या डिजीज़ है वो हिमालयन रीजन में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसका रीज़न क्या है। तो क्वाइटर यूज्ड टू बी कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन द हिमालयन रीजन इन आर कंट्री। बच्चों क्वाइटर से भी यहाँ से हमारा कंट्री तक आ रहा है क्वेश्चन में से, ज़्यादातर हमारा कवर हो रहा है। बिकॉज आयोडीन कंटेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर इज लो इन दीज एरिया। तो क्योंकि इसका रीज़न है सॉइल और वाटर जो वहाँ पर मिलता है पहाड़ों पर, सॉइल और वाटर के अंदर आयोडीन कंटेंट बहुत कम होता है, इसी वजह से उनमें डेफिशिएंसी हो जाते हैं वहाँ के लोगों में और वो गोइटर के शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फॉर द बॉडी। अब विटामिन्स के बारे में हमें बताना है, तो फर्स्ट हमारा है आ रहा है इसमें विटामिन ए। विटामिन ए फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ के लिए उसकी ज़रूरत है, और कीप्स द आइज एंड द स्किन हेल्दी, और इसकी वजह से आइज और स्किन भी हेल्दी होते हैं। विटामिन सी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नसें होती हैं जहाँ से खून बहता है, उनको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन डी हेल्प्स टू यूज़ कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? जैसे कि हमारे बोन्स और टीथ बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग बन पाए, उनको बनाने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। लास्ट आ रहा है विटामिन के, हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से मतलब होता है बच्चों, जब खून बहुत ज़्यादा बह जाता है तो उसे जमाने का काम करता है। अगर खून कंटिन्यू ब्लड बहता रहेगा तो ब्लड के बॉडी के अंदर ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होती है। तो उसको रोकने के लिए क्लॉटिंग होना ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, उस टाइम तो ब्लड बह रहा होता है बट थोड़ी देर बाद ही ब्लड रुक जाता है, वो क्लॉटिंग कहा जाता है। जिससे कि ब्लड रुक जाएगा तो वो बहना बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो उसके लिए विटामिन के की बहुत ज़रूरत होती है। सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स ऑफ द बॉडी। अब ऊपर हमने विटामिन्स के बारे में देखा था, अब यहाँ मिनरल्स की हमारे बॉडी में क्या क्या यूज़ है, क्यों क्यों ज़रूरत है। तो फर्स्ट आ रहा है कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ,
बोन्स और टीथ को स्ट्रांग बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए। सोडियम किस लिए है? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पूरी प्रॉपर फंक्शन कर पाए हमारा, उसमें कोई कमी ना रहे, तो उसके लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आ रहा है पोटेशियम, फॉर ग्रोथ एंड कीपिंग सेल्स एंड ब्लड हेल्दी। अब जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई होती है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। सेल्स को ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरत होता है पोटेशियम, जैसे कि हमने प्रोटीन के बारे में भी पीछे पढ़ा था। और ब्लड को भी हेल्दी रखने के लिए, जो बन गया है हमारी बॉडी में, जो सेल्स और ब्लड हैं उनको हेल्दी रखने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। आयरन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेज दैट हेल्प रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी RBC हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसको बनाने का काम करती है। अगर रेड ब्लड सेल्स बनेंगे तो हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक पहुंच पाएगी, तो उसके लिए आयरन की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, वाई शुड यू ड्रिंक 6 to 8 वाटर ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अब आप में से बहुत से बच्चे तो पानी पीते होंगे पूरे दिन में, लेकिन बहुत से बच्चे बिल्कुल भी पानी नहीं पीते होंगे, है ना। तो जो नहीं पानी पीते हैं उन बच्चों को बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन का आंसर समझना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए पानी की ज़रूरत क्यों होती है। इवन वाटर, जबकि हमें पता है कि वाटर से हमें किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं मिल रही, तो अब फर्स्ट हमारा उसमें पॉइंट आ रहा है क्वेश्चन के आंसर का, वी शुड ड्रिंक 6 to 8 और ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, बिकॉज फर्स्ट इज़ इट हेल्प्स आर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। जो हमने खाना खाया है, फूड खाया है जो हमने, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। सेकेंड आ रहा है, इट इम्पोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। अब जो पूरा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, तो वो पूरी बॉडी में इम्पोर्ट हो, यानी वो पहुंचा सके, तो वो भी पानी के ज़रिए ही पहुंचाया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ये हम सबको पता है। बॉडी का वेस्ट वहाँ पर पानी के ज़रिए ही उसको कलेक्ट किया जाता है, और उसी के थ्रू हमारी बॉडी में से सारा पानी के थ्रू ही जितना भी वेस्ट बॉडी का है वो सब बाहर निकल जाता है। अब किस फॉर्म में निकलता है? स्वेट और यूरिन के फॉर्म में, पसीना और यूरिन के फॉर्म में वो सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। अब स्वेट भी हमें पता ही है कि ये भी पानी ही है, है ना, तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट से क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज़ द सेम फॉर एवरीबडी, व्हाई। क्या ये सभी के लिए सेम है और क्यों है? अ बैलेंस डाइट, आंसर इज़ अ बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन्स द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में होना चाहिए, उसी को बैलेंस डाइट कहा गया है। एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैट ले लिया लेकिन विटामिंस नहीं लिया, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि विटामिंस तो बहुत ज़्यादा ले लिया लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिया। क्या है मतलब, इसका प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। हाउएवर अ बैलेंस्ड डाइट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन, जबकि हमें ये भी पता है कि बैलेंस्ड डाइट सभी के लिए सेम नहीं होता, क्योंकि बच्चों किसी का मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, किसी का फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। कोई मम्मा बेबी को बॉन्ड करने वाली होती हैं और कोई बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने वाले होते हैं, तो उसमें उनका एज, वो मैन है वेमेन है उनके ऊपर, और द टाइप ऑफ वर्क और वो किस तरीके का काम कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज़। अब डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, यानी कमी हो रही है अगर किसी चीज़ की, तो उसके वजह से जो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं डेवलप, वो उनके बारे में बताना है। नेम फोर डेफिशिएंसी डिजीज, अब उनके चार के बारे में बताना है एंड एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट्स, और उनके क्या न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हम उसको कर सकते हैं कवर। डेफिशिएंसी डिजीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन फूड। अब हमारे फूड में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप कर जाएंगी।
द फूड एफिशिएंसी डिजीज एसोसिएटेड न्यूट्रिएंट आर। अब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से। ये सब बच्चों नाम हैं डिजीज़ के। पहले ग्राफ विटामिन बी थ्री की कमी से। यहाँ पर बी वन है बेरी बेरी का, बी वन। गोइटर ड्यू टू आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर हो रहा है। क्वेश्चन सिक्स, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ रफेज इन आर डाइट। हमारी बॉडी में रफेज की क्या इम्पॉर्टेंस है? रफेज एड्स बल्क टू आर फूड। हमारे फूड को वो हैवी बनाने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। हमारी जो बॉडी में वेस्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है उससे हमें बचाता है और इंश्योर प्रॉपर बाउल मूवमेंट। और उसको वो इस लायक बनाता है, रफेज की वजह से ही बाउल मूवमेंट होता है। बाउल मूवमेंट से मतलब होता है बच्चों जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर निकलने का काम वो डेली प्रोसेस में होता है। तो उसको स्लैक बनाना, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, जो दिल की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक पड़ना, तो वो सब रिस्क को भी वो कम करता है और बॉयल मोमेंट को भी रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस फिनिश हो गए, थिंक एंड आंसर स्टार्ट करते हैं जो कि हॉट्स क्वेश्चंस के भी नाम से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉमन अमंग पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज। वेस्टर्न कंट्रीज यानी फॉरेन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है बच्चों। हु ईट मोर मीट एंड प्रोसेस्ड फूड, जो कि बहुत ज़्यादा मीट और प्रोसेस्ड यानी रखा हुआ फूड, प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं हमारे कंपैरेटिव, इंडियंस के कंपैरेटिव, है ना? क्योंकि इंडियंस में इतना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फूड की क्वालिटी का भी फ़र्क पड़ता है, तो इसी वजह से वहाँ पर ये वाले फूड ज़्यादा खाए जाते हैं। व्हाट कैन बी रीज़न फॉर दिस? अब इसका रीज़न क्या है? कॉन्स्टिपेशन, आंसर इज़ कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉमन अमंग पीपल इन द वेस्टर्न कंट्रीज हु ईट मोर मीट्स एंड द प्रोसेस्ड फूड देन अस। बच्चों कॉन्स्टिपेशन यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक तो पूरा क्वेश्चन में से ही आ गया है, आगे का देखते हैं। बिकॉज ऑफ द लो डाइट इन फाइबर, क्योंकि वहाँ खाने में फाइबर की कमी होती है, है ना? हर चीज़ तो वो प्रिजर्व्ड होता है उनका, हर चीज़ कैन में आता है, कैन खोला और अपना थोड़ा सा कुक किया, गरम किया और बना के खा लिया, तो इस तरीके से नहीं होता। जैसे आपकी मम्मा घर में इतनी मेहनत करके खाना बनाती हैं तो इतना आप लोगों का ध्यान रखती हैं, उस तरीके से वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। फाइबर की वहाँ के खाने में कमी होती है, जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है फाइबर। तो फाइबर एड्स बल्क टू द फूड, फाइबर जो फूड को हैवी बनाने का काम करता है एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। सेकेंड क्वेश्चन, एन ओवरवर्क्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क ऑन द कंप्यूटर द होल डे। एक कंप्यूटर पे काम करने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका पूरा टाइम, पूरा दिन कंप्यूटर पे ही काम करने में निकलता है। ही गेट्स वेरी टायर्ड आफ्टर वर्क, अब उसके बाद वो बहुत ज़्यादा थक भी जाता है। किसी ने उसे एडवाइज़ किया कि उसे ज़्यादातर अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऐड करना चाहिए जिससे कि उसे एनर्जी मिले। क्या आपको यह ठीक लगता है? है ना बच्चों, ये तो हमें देखकर ही ठीक नहीं लग रहा है। अब लेकिन क्यों नहीं लग रहा, उसका आंसर दूँ? अब नो, बिकॉज इंजीनियर डज नॉट डू, कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि इंजीनियर जो है वो किसी भी तरीके का फिज़िकल वर्क नहीं कर रहा है, इसी वजह से उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की और ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इनफैक्ट बाई ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स विल मेक हिम ओवरवेट। लेकिन और उसके बावजूद भी अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ज़्यादा लेगा, अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा ऐड करेगा, तो वो ओवरवेट हो जाएगा। ओवरवेट मतलब बहुत ज़्यादा मोटू हो जाएगा एंड लेस हेल्दी, और हेल्दी भी नहीं रहेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा पूरी पकौड़ी और डीप फ्राई ये सब खाते हैं तो क्या होता है, हम आराम से सो जाते हैं, नींद आती है हमें, हम कोई एनर्जी वाला काम करने लायक ही नहीं बचते, है ना बच्चों? यही होता है ना, नहीं होता है तो कभी नोटिस करना, कभी भी आप पकौड़े खाएंगे और पूरी खाएंगे तो आपको नींद बहुत आएगी, है ना? और उसके बाद अगर हम लगातार यही डाइट लेते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएंगे। तो
थर्ड क्वेश्चन अब हम पहुंचते हैं, विल यू रिमेन हेल्दी इफ़ यू ओनली ड्रिंक मिल्क। क्या आप हेल्दी रह पाएंगे केवल अगर ड्रिंक को ही मिल्क को ही ड्रिंक करेंगे। विल यू रिमेन हेल्दी इफ़ यू ओनली ड्रिंक मिल्क। क्या आप हेल्दी रह पाएंगे अगर आप केवल मिल्क को ही पिएंगे। तो बताइए रीज़न इसका भी। नो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल मिल्क पिएंगे तब हम पूरा हेल्दी बने रहेंगे। बिकॉज थ्रू मिल्क कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स, इट डज नॉट प्रोवाइड। दो मिल्क कंटेन्स मोर न्यूट्रिएंट्स, जबकि हमें पता है मिल्क में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी इट डज नॉट प्रोवाइड रफेज। इसके बावजूद भी इसमें रफेज तो नहीं होता, तो हमें रफेज नहीं मिल पाएगा, विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन, जो कि प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरर्स गोइंग टू द नॉर्थ और साउथ मस्ट कैरी ग्रीन वेजिटेबल्स। अब कोई है जो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है तो वो उसको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जूसेस अपने साथ वो कैरी कर रहा है, अब इसकी क्या ज़रूरत है उसे। तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेसेसरी इन सच अ वॉयज। वॉयज मतलब होता है यात्रा, यानी जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें इन सब चीज़ों की इसलिए ज़रूरत है जिससे कि विटामिन सी उन्हें मिल पाए, विच इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम गम्स प्रॉब्लम। गम्स प्रॉब्लम यानी जो मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम स्कर्वी भी बोलते हैं, उनसे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.